ब्रेस्ट होते हैं जो इनके प्राइवेट पार्ट है उनको टच करके, छू कर हाथों से या फिर किसी और चीज़ से, कुछ भी यूज करके, काफ़ी सारे ऐसे सेक्स टॉयज मार्केट में अवेलेबल है जिसको यूज करके ही अपने आप को संतुष्ट करती हैं, एक दूसरे को खुश करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले लेस्बियन के बारे में, आखिर क्या होता है ये और जो लड़कियाँ रिलेशनशिप में होती है आखिर वो कैसे रिलेशन बनाती है, कैसे इंटीमेट होती है, लेस्बियन लड़कियाँ कैसे सेक्स करती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब होता है कि दो लड़कियाँ आपस में जुड़ जाती है, मतलब ये नहीं होता। लेस्बियन का मतलब होता है कि दो गर्ल पार्टनर आपस में रिलेशनशिप में हैं, वो एक दूसरे से चाहे शादी करें, चाहे वो कुछ भी फिजिकल हो, वो आराम से हो सकती है। क्योंकि अब हमारे देश में ऐसा कानून लागू हो गया है कि दो लड़कियां आपस में एक दूसरे के साथ रह सकती है अपनी स्वइच्छा से, वो शादी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा कानून अब हमारे देश में लागू हो चुका है। तो आखिर लोगों के इतने सारे सवाल मुझे मिलते हैं कि जो लेस्बियन लड़कियां होती है वो रिलेशन कैसे बनाती है, फिजिकल कैसे होती है, क्या उनके बीच में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लेस्बियन जो लड़कियां होते हैं और जो नॉर्मल पार्टनर होते हैं, यानी कि जो लड़का लड़की पार्टनर होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। जब वो जैसे एक लड़का लड़की फिजिकल होते हैं तो जितना एंजॉय वो लोग करते हैं उससे भी ज़्यादा एंजॉय ये जो लेस्बियन लड़कियां हैं ये आपस में करती है। कैसे करती है देखिए, मैं आपको यहाँ पर काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि सेक्स को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी नहीं है इंटरकोर्स करना, मतलब एक लड़के का जो प्राइवेट पार्ट है वो लड़की के वजाइना के अंदर जाए, यही ज़रूरी नहीं होता है। फोर प्ले का भी एक रोल होता है, मैंने आपको बताया फोर प्ले एक ऐसी चीज़ है जो आपको चरम सुख तक लेकर जा सकती है। तो यहाँ पर जो ये लेस्बियन लड़कियाँ होती है ये फोर प्ले करके अपने आप को संतुष्ट करती है। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकती है, जैसे कि एक लड़का लड़की जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो प्रेग्नेंट होते हैं, माँ बाप बनते हैं, तो वैसे इनमें नहीं होता है ये, पर इनमें काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं, जैसे गोद ले सकती हैं, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकती हैं, इस टाइप से ये अपना परिवार आगे बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर प्ले करके ये अपने आप को खुश करती हैं। फोर प्ले कैसे करते हैं ये, यहाँ पर एक दूसरे को छू कर, टच करके, किस करके, अपनी बॉडी पार्ट को एक दूसरे से टच करवा कर, ठीक है, इस टाइप से ये एंजॉय करती है, फोर प्ले करती है, और ये काफ़ी अच्छा इनको फील आता है, काफ़ी अच्छा इनके लिए होता है ये। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक लड़का या लड़की का जो फिजिकल होना या फिर दो लड़कियों का फिजिकल होना, दोनों में कौन सा किन को ज़्यादा मतलब कौन ज़्यादा एंजॉय करता है, तो उन लड़का लड़की का जो होता है फिजिकल वो अलग चीज़ है, एंड जो लेस्बियन लड़कियाँ होते हैं इनका एक अलग चीज़ है, लेकिन ये उतना ही एंजॉय करती है। तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप से करती है, अपने जैसे ब्रेस्ट होते हैं जो इनके प्राइवेट पार्ट है उनको टच करके, छू कर हाथों से या फिर किसी और चीज़ से, कुछ भी यूज करके, काफ़ी सारे ऐसे सेक्स टॉयज मार्केट में अवेलेबल है जिसको यूज करके ही अपने आप को संतुष्ट करती हैं, एक दूसरे को खुश करती हैं, और ये काफ़ी हैप्पी भी रहती है अपनी लाइफ में। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने ऐसी लड़कियों के देखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है अपनी लाइफ से, उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि एक मेल पार्टनर उनके साथ आए या उनको एक मेल पार्टनर की ज़रूरत पड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ है। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं जहाँ पर लड़कियाँ बताती हैं कि वो दोनों लड़कियाँ आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है कि कोई मेल पार्टनर उनकी लाइफ में हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये अपने आप को खुश करती है, संतुष्ट करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे अपने लाइफ में कैसा इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, कैसे एक दूसरे को खुश करती हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि लेस्बियन का मतलब क्या होता है। ये एक समलैंगिक रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर दो लड़कियों का आपस में मिलन होना या फिर आपस में कॉन्टैक्ट होना, यही लेस्बियन कहलाता है। दो लड़कियाँ एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, उसमें आकर्षण होता है, वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होती है, मतलब उनको लड़कों को देखकर कोई फीलिंग नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देखकर उनको अट्रैक्शन होता है। जैसे कि होता है ना, जैसे हम नॉर्मल होते हैं तो हमें किसी लड़का अगर कोई अच्छा लगता है तो हमें उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, लेकिन इन लड़कियों में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होती है। जैसे कोई लड़की है सुंदर है या कोई रूम पार्टनर इनका है और उसके साथ ही अट्रैक्ट होती है, एक इमोशनली टच उनके साथ होता है और इनको फीलिंग सिर्फ लड़कियों को देखकर ही आती है, तो ऐसी लड़कियां होती है।